हमारे समाज में सदियों से नारी को पैरों की जूती समझा जाता रहा है। सदियों से नारी पर जुल्म होता आया है। अपने कोमल स्वभाव के कारण नारी जुल्म सहती है, और जब जब उसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, तब तब उस पर जुल्म और बढ़ता गया। नारी पर आज भी ये जुर्म किसी न किसी रूप में जारी है। दुल्हन को दहेज मानकर लाई गई लड़की की करुण चीखें सुनकर आज भी किसी का दिल दहल नहीं रहा है। कहते हैं जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब उस पाप को मिटाने के लिए वो ईश्वर किसी न किसी रूप में इस धरती पर जन्म लेता है। आज की कॉमिक इसी वाक्य पर इंस्पायर है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चंदा नाम की एक लड़की अपने पति के साथ रंगनगर में रहा करती थी। एक दिन वो प्रेग्नेंट हुई और उसने एक लड़की को जन्म दिया। तब उसके पति ने डॉक्टर के साथ मिलकर उस बच्ची की हत्या करवा दी। जब चंदा को इस बात का पता चला कि उसके पहले दो बेटियों का कत्ल भी मेरे पति ने ही किया है, तब वो डॉक्टर और अपने पति को पुलिस में जाने की धमकी देती है। तब डॉक्टर चंदा के पेट पर पंच करता है, जिस वजह से चंदा का जो जख्म ताजा होता है वहाँ से खून बहने लगता है। उसके बाद डॉक्टर और उसका पति दोनों मिलकर चंदा को काली घाटी से ढकेल देते हैं। अपने कुटिल इरादों से इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, वो कुदरत और उसकी शक्ति से नहीं टकरा सकता। मौत की घाटी से गिरने के बाद नीचे काली माँ का एक पुराना मंदिर होता है। चंदा वहाँ जा गिरी। जब चंदा को होश आया तो वो मंदिर में गई और जोर जोर से मंदिर की घंटियाँ बजानी शुरू कर दी। लगभग आधे घंटे घंटियाँ बजाने के बाद वो बोली, माँ इस पत्थर की मूर्ति से बाहर आके देख कैसे ये लोग एक माँ की ममता को पैरों के नीचे कुचल रहे हैं। मेरी एक बच्ची पर जुल्म ढाया गया तो मेरी छाती पीड़ा से फट गई, लेकिन तेरी तो लाखों बेटियों पर जुल्म ढाया जा रहा है, नोचा जा रहा है। हर घर में एक बेटी दहेज के लिए जलाई जा रही है। क्या तुझे पीड़ा नहीं होती माँ? क्यों नारी जाति की रक्षा के लिए किसी को नहीं भेजती, उन लोगों का सर्वनाश करने के लिए जो तेरी बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं और उनका अपमान करते हैं? लेकिन तेरी बनाई गई ये पुरुष प्रधान दुनिया में चंदा जिंदा नहीं रहेगी। तेरी चौखट पर सर पटक पटक के अपनी जान दे देगी, और ये तेरी हार होगी माँ, हार होगी। कहते हैं सच्ची पुकार तो बारूद से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। उसके बाद पूरा मंदिर प्रकाशमय हो उठा, चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। मूर्ति के पीछे से सबसे ज्यादा प्रकाश निकल रहा था, फिर मूर्ति के पीछे से आवाजें आने लगी, ठहर जा पुत्री, तेरे पुकार की शक्ति मुझे यहाँ खींच लाई। चंदा चौंक पड़ी। ईश्वर ने पुरुष को स्त्री से ज्यादा शक्तिशाली इसलिए बनाया था ताकि वो स्त्री की रक्षा कर सके, लेकिन पुरुष अपनी शक्ति से नारी पर अत्याचार कर रहा है। पुरुष ये भूल गया है कि उसकी शक्ति एक नारी के दूध से सींची हुई है। उसके शरीर का रोम रोम एक नारी का दिया हुआ है। नारी ही पुरुष की शक्ति है। इस बात को दुनिया तक पहुँचाने के लिए और समाज में बढ़ रहे अत्याचार को रोकने के लिए मैं आज से तुझे चंदा से शक्ति बनाती हूँ। मैं अपनी शक्तियों का कुछ अंश तेरे शरीर में डाल रही हूँ, और मैं तुझे देती हूँ शिव के तीसरी आँख की शक्ति। उसके बाद चंदा का शरीर नीला पड़ गया, मानो समस्त नारी जात के अक्ष का जहर चंदा के रगों में भर गया। तुझे विश्व की समस्त भाषाओं का ज्ञान होगा, पृथ्वी पर रहने वाली हर नारी से तेरा संपर्क होगा। मेरे सारे हथियार तेरे पास रहेंगे, जिन्हें तू वक्त आने पर कभी भी इस्तेमाल कर सकती है। तू अपने हाथों से अग्नि निकाल सकती है जो किसी भी धातु को पिघलाकर उसका आकार बना देगा, और आज से तेरा नाम होगा शक्ति। अभी शक्ति ने मंदिर से एक ही कदम बाहर निकाला था कि तभी उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ। तब शक्ति अपनी तीसरी आंख से देखती है। वो मुंबई की गलियों में देखती है कुछ बदमाश एक औरत को मार रहे हैं। तब शक्ति लाइट की स्पीड से वहां पहुंचती है। तब वो वहां देखती है कि उन गुंडों को पहले से ही कोई मार पीट रहा है, और वो शख्स होता है डोगा। तब शक्ति भी उन गुंडों को मारती है और लड़ने लग जाती है। शक्ति लड़ते लड़ते डोगा पर भी वार कर देती है, जिससे डोगा इतना घायल हो जाता है कि वो उठ भी नहीं पाता। उसके बाद शक्ति उस लड़की को उसके घर छोड़ आती है, और फिर मुंबई की गलियों में शक्ति से चंदा बनकर घूमने लगती है। फिर कुछ चोर चंदा को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंदा के शक्ति बनने से पहले ही डोगा वहाँ आकर उन गुंडों की पिटाई करता है, और फिर चंदा से कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। पर चंदा बोलती है नहीं, रहने दो, मेरा कोई घर बार नहीं है, मेरे पति ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है। उसके बाद डोगा उसे एक घर दिखाता है, और फिर चंदा को बोलता है तुम उस घर में चली जाओ, और वहाँ तुम्हें एक मोनिका नाम की औरत मिलेगी, उसके साथ तुम जब तक चाहे तब तक रह सकती हो, और हाँ वहाँ पहुँचने के बाद मेरा नाम जरूर बताना। उसके बाद ही खत्म होता है ये एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।